आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, यद्यपि जल पारदर्शक और रंगहीन है, फिर भी जल की बूंद आप देख सकते हैं क्यों? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जल जो रहता है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है या एक वस्तु है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जल पारदर्शी होता है, मतलब यहाँ से हम इसके तल को नीचे की ओर आराम से देख सकते हैं, इसके बाउंड्री को देख सकते हैं, ठीक है। और ये रंगहीन भी होता है, मतलब पारदर्शक, मतलब इससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, ठीक है। और ये रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर जल की बूंद पड़ी हो, ये मान लीजिए जल का बूंद ये इस पेज में गिरा हुआ है, ठीक है, तो हम ये जल की बूंद को देख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जब जल की बूंद किसी सतह पर गिरती है तो उस पर आपतित होने वाला प्रकाश का किरण जो है, तो देखिए ये प्रकाश का किरण ये जल में प्रवेश करता है और इसके बाद ये इसके निचली सतह, मतलब जल के नीचे जो सतह है, ठीक है, ये मान लीजिए ये पेज है, ये पेज से टकरा के, ठीक है, जो जल की बूंद है उसके पीछे जो पेज स्थित है, तो वहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के अपवर्तित होकर बाहर निकलती, तभी हमें दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि इसको ना बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, ये जल का एक बूंद है, ठीक है, और ये हमारा सतह है जिसपे जल का बूंद गिरा हुआ है। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, तो देखिए ये वायु से आई, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस पर मान लेते हैं विलंब खींचते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ सीधे ना जाके थोड़ा सा अपवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यहाँ से ये नीचे इस सतह पे टकराएगी, ठीक है। यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे इसका ये बाहर ना निकल के यहाँ पे ये परावर्तित होगी, ठीक है, और ये बाहर निकल के फिर अभिलंब से बाहर की ओर मुड़ जाएगा। तो देखिए ये जो हुआ, इस सतह से परावर्तन हुआ, तो हम लोग इस सतह को देख पाते हैं जिसके कारण ये जल की बूंद हमको यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो जल की बूंद के पीछे की सतह के कारण होता है जिससे हमको जल की बूंद दिखाई देती है, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।